Good evening one and all. Welcome Esha online classes. Please subscribe my channel, like it, share it, press bell icon button. Today we are going to discuss major Indian writers in English. Shiv K. Kumar. So Shiv K. Kumar, birth date 1921. Shiv K. Kumar ek Indian writer जो इंग्लिश में लिखते थे, इंडियन इंग्लिश पोएट है, प्ले राइटर है, नावलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. देखिए, पोएम्स भी लिखते थे, नावल्स भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे इंग्लिश के अंदर. इनका जन्म लाहौर में हुआ था. उनके बहुत सारी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज बीबीसी पर ब्रॉडकास्ट हो चुकी है तथा इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स और मैगजीन्स में पब्लिश हो चुकी है. इन्हें कई इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुके हैं. उनके पूरे नावल्स है, जो वर्स है, प्लेस है, बहुत फेमस है. सो दे वर ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड्स मिले हैं उनका? साहित्य अकादमी अवार्ड 1987 में मिला है इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड. वो जो वर्स है, नावल्स नहीं है ये, जो ट्रैप फॉल्स इन द स्काई, ये वर्स है, ये 1986 के अंदर लिखा गया है. और ये जो था, ये बहुत फेमस था, कौन सा वाला? ट्रैप फॉल्स इन द स्काई. सो इसको ट्रांसलेट कितने भाषा में किया गया? हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम. सी 1, 2, 3, 4, 5 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया. बहुत फेमस है ट्रैप फॉल्स इन द स्काई. इसके लिए इनके साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, पद्म भूषण अवार्ड 2001 के अंदर मिला है इनको पद्म भूषण अवार्ड. और इनके वर्स, आर्टिकुलेट साइलेंस 1970, वूल गैदरिंग 1995, लूजिंग माय वे 2008, वॉइस ऑफ बुद्धा, ये पोएम से 2008 के अंदर है. और वुड पिकर 1979 के अंदर है. द स्पोक द बुद्धा 2001. उसके बाद देखा जाए तो प्लेस, उनका प्ले एक ही दिया गया है, द लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी 1975 के अंदर. द लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी एक प्ले है. नावल्स देखा गया तो ए रिवर विथ थ्री बैंक्स, ये बहुत फेमस है, ए रिवर विथ थ्री बैंक्स के नावल है. नेक्स्ट, न्यूड बिफोर गॉड और एक नावल है, ए रिवर विथ, ये तो हो गया, टू मिरर्स एट द आश्रम 2007 के अंदर लिखा गया है. टू मिरर्स एट द आश्रम. और एक नावल है रफ पैसेज टू द बोधी ट्री. और शॉर्ट स्टोरीज बोर्ड पे नहीं लिखा है मैंने, बहुत छोटा है तो मैं बोलूँगी, आप सुनिए. शॉर्ट स्टोरीज बियॉन्ड लव एंड अदर स्टोरीज 1980 के अंदर शॉर्ट स्टोरीज है, रिटन बाय शिव के कुमार. देन फेस बिहाइंड द मिरर एंड अदर स्टोरीज, ये भी है इनका शॉर्ट स्टोरी. और एक है टू नन विथ लव एंड अदर स्टोरीज 2001 के अंदर. तो ये भी इंडियन, आंग्लो इंडियन राइटर है, फेमस है. गुड इवनिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट. मेजर इंडियन राइटर्स, वन मोर इंडियन राइटर, कमला दास. कमला दास पीरियड 31 मार्च 1934 to 31 May 2009. She belongs to Kerala. District है त्रिशूर district से है उन्होंने belong करती हैं. और इनके जो works के अंदर हमारे को क्या दिखाई देता है? Love, धोखा, उससे क्या धोखा मिला है, what the result of love, निराशा, ये सब उनके writings में show किया जाता है. उनका works कौन से language में? French, स्पैनिश, रशियन, जर्मन और जापानीज में भी उपलब्ध है उनके वर्क्स. शी इज़ टू फेमस. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द टाइम ने उन्हें द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इन इंडियन पोएट्री कहा है. टू होम द टाइम कॉल्ड एज ए द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, ऐसा क्वेश्चन दिया तो वी हैव टू राइट कमला दास. कमला दास का जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव है, केरला से है, छोटे उम्र में शादी हो जाता है, उनका पति से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, टूट जाता है रिश्ता, फिर उन राइटिंग स्टार्ट कर देती है. वो घर में मैगजीन्स शॉप होता है उनका, तो बहुत कुछ पढ़ती रहती है, तो उनको
ऑटोमेटिकली राइटिंग स्किल्स आ जाते हैं, छोटा उम्र में लिखना शुरू कर देती हैं, तो जो डिस्टेंस होता है पति पत्नी के बीच में, डिससेटिस्फैक्शन होता है, हेट्रेड होता है, लव से जो जो उनको प्रॉब्लम्स हुआ है, फैमिली का जो, वो सारे इश्यूज उनके वर्क के अंदर दिखाई देता है अच्छी तरह। तो ये एक नावलिस्ट है कि ओपनली लिखने वाली नावलिस्ट है ये, पोएम्स के अंदर भी ओपनली उन्होंने शो किया है उनका पर्सनल लाइफ को। सो इनको अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला है इनको साहित्य अकेडमी। देखिए कितने लैंग्वेजेस में उनके जो वर्क्स उपलब्ध हैं, अभी मैंने बताया फ्रेंच, स्पैनिश, रशियन, जर्मनी एंड जापानीज। और उनका 1999 के अंदर, 65 इयर्स के अंदर उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम कमला सुरैया रख लिया। कमला दास से उनका नाम कन्वर्टेड इंटू कमला सुरैया। 65 इयर्स के टाइम में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। चलो उनका वर्क्स देखा जाए थोड़ा सा, अवार्ड तो देख लिया, साहित्य वर्क्स, समर इन कलकत्ता 1965 ये भी फेमस है, एन इंट्रोडक्शन फेमस है, द असेंडेंट्स ये भी बार बार पूछा जाता है 1967, माई स्टोरी एंड ऑटोग्राफी, माई स्टोरी इज एन ऑटोग्राफी रिटन बाई कमला दास। उसके अंदर उनकी जिंदगी के पूरे जो एक्सपीरियंस है, वो ट्रैजिक जो उनके घटित हुआ है, वो सारा दर्शाया गया है, ट्रैजेडी कमला दास का। माई स्टोरी इज एन ऑटोग्राफी। सो अभी इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड कमला दास के बारे में। उनका नावल्स देखिए, आई स्टडीड ऑल मैन, इसके मीनिंग देखिए आप, इस तरह याद रखिए कि मैं पूरे आदमियों को पढ़ चुकी हूँ। आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुल्ली, मैं अच्छी तरह जिंदगी में जिया है, ये नावल से उनका। वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, एक पति से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं। सो इनके ये जो है नावल्स हैं, अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कमला दास के रिलेटेड, आप लिख भी सकते हो या याद भी रख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, कमला दास ऑटोबायोग्राफी इज, यहाँ पे देखो ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी, फोर ऑप्शंस में आपको माई स्टोरी कमला दास जी का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास रियल नेम क्या है। कमला दास रियल नेम है, देखो कमला माधवी कुट्टी है इनका नाम, केरला में कुट्टी बोलते हैं, माधवी कुट्टी। देखिए तीन नाम आ गया, माधवी कुट्टी, कमला दास, और एक नाम है कमला सुरैया, मुस्लिम बनने के बाद कमला सुरैया हो गया। तो एक्चुअली रियल नेम क्या है, माधवी कुट्टी, ये भी लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ कमला दास पोएम्स आर ऑन, मतलब पोएम्स के अंदर क्या दिखाई देता है, कमला दास का पोएम्स के अंदर क्या रहता है, देखिए द सब्जेक्ट ऑफ हर मैरिज, उनके शादीशुदा जिंदगी के बारे में, हर डिससेटिस्फैक्शन विथ हर हस्बैंड, असंतुष्ट उनके पति के साथ जो असंतुष्ट जिंदगी बिताया है उसके बारे में, हर एंडलेस सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ अदर मैन, उनके रिलेशंस अदर मैन के, ये हर कन्फेशन, वो सारे कन्फेशन भी किया है, ये सारे उनके पोएम्स के अंदर दर्शाया गया है कमला दास का। वो ओपन राइटर है, शी इज़ अ ओपन राइटर। कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम, सेटल्ड इन मुंबई एंड डाइड, इसका आपने वो चार देंगे, डेट्स देंगे उसके अंदर, ये टू इन 2009 इन पुणे, वो पुणे के अंदर गुजर गए हैं 2009 के अंदर। द मेजर थीम ऑफ कमला दास पोएट्री, फिर से आ गया, देखिए तीन ऑप्शनों में, मैरिज, सेक्स, लव, मैरिज के बारे में, सेक्स के बारे में, लव के बारे में इन्होंने लिखा है, वो ऑप्शन सही है। और एक है, कमला दास हैज़ बीन लेबल्ड एज ए कन्फेशनल पोएट, एज वो कन्फेशन करती है, जो मन की बात है वो अपने जो राइटिंग्स के अंदर उतारती है, कन्फेशन राइटर्स बोलते हैं उनको। शी हैज़ रिवील्ड वॉट स्ट्राइक्स द रीडर्स एज अ सीक्रेट ऑफ हर लाइफ, जो रीडर्स पढ़ने वालों को जो सीक्रेट्स समझते थे जो पर्सनल लाइफ से, वो सारे रिवील करती थी, इसलिए उनको कन्फेशनल पोएट बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए नावल ऑफ कमला दास, देखिए चार दे गया है, आई स्टडीड ऑल मैन ये उनका है, आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुली ये उनका लिखा हुआ नावल है, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड ये उनका लिखा है, द बटरफ्लाईज नॉट रिलेटेड टू कमला दास, ऐसा चार देंगे नावल्स के अंदर, इसलिए मैंने तीन ऑप्शन दिए, तीन लिखा है जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल्स है। और दो क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक बुक नहीं रेफर कर रही हूँ, चार पांच ऑथर्स का बुक्स रेफर्स कर रही हूँ,
सो ऑथेंटिक है आपके लिए. चलिए वन मोर क्वेश्चन. विच पोएट्स अडेप्टेड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65? कमला दास. माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी. माई स्टोरी इज एन ऑटोग्राफी ऑफ किसका है? कमला दास. ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी देख लिया, तो अभी शायद कमला दास के ऊपर आपका पकड़ आ गया होगा. इनके तीन नाम है, केरला से रिलेटेड है, वो ओपन राइटर है, सब कुछ. उनकी ज़िंदगी में कुछ छुपा नहीं है रीडर्स से. जो रीडर्स सीक्रेट समझते हैं उस चीज़ को उन्होंने सामने रख दिया है. और द टाइम उनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री का मदर बताया गया है उनको. साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला है. चलो पूरा टोटली कमला दास के बारे में आ गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर इट, लाइक इट एंड प्रेस बेल आइकन द बटन. मैं और भी आपके लिए वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लाऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस, फिर डिस्कस करेंगे वन मोर वीडियो के अंदर. थैंक यू. नाउ वन मोर मेजर इंडियन राइटर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नयनतारा सहगल. सो 10th May 1927 बर्थडे. एंड नयनतारा सहगल एक्चुअली शी इज़ रिलेटेड टू नेहरू गांधीयन फैमिली. सो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडो एंग्लियन राइटर्स है. सो शी इज़ अ नेहरू गांधीयन फैमिली एंड वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडो एंग्लियन राइटर्स. वट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडो एंग्लियन राइटर्स? मीन्स इंडियन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश विथ इंडियन बैकग्राउंड रिटन बाई नेटिव इंडियंस इन इंग्लिश. इसका मतलब ये है कि भारतीय होते हैं लिखने वाले, मगर जो लैंग्वेज टूल होता है वो इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, और इंडियन क्रिएटिव राइटिंग रहता है उसके अंदर. बैकग्राउंड पूरा इंडियन का रहता है, मगर लैंग्वेज दे विल यूज़ इंग्लिश. सो शी इज़ रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू फैमिली एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित. जवाहरलाल नेहरू के थर्ड सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित, आप सुना होगा ये नाम. उनकी बेटी है नयनतारा सहगल. ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, चार ऑप्शन देखे. नीस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बांझी है, कौन है बांझी? सो उसके अंदर नयनतारा सहगल. उनका नॉवेल्स देखेंगे, फ्रॉम फियर सेट फ्री 1963 के अंदर. फ्रॉम फियर सेट फ्री. दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग सनलाइट सराउंड्स यू. ये सनलाइट सराउंड्स यू है, ये जो थर्ड वन है यहाँ पे लिखा है मैंने सनलाइट सराउंड्स यू. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा सनलाइट सराउंड्स यू, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीन बहनें हैं ये लोग नयनतारा सहगल. एक चंद्रलेखा मेहता है, रीटा दर है और नयनतारा सहगल, तीन बहनें हैं. ये अपने माता को ट्राइब्यूट देते हुए लिखे हैं सनलाइट सराउंड्स यू. यहाँ उनके माता को सनलाइट, उनके माँ के अगल बगल में प्रकाश हो, उस हिसाब से एक नावल लिखे थे नमन करते हुए अपने माता को. कौन सा है? सनलाइट सराउंड्स यू. और ये टाइम टू बी हैप्पी यहाँ नहीं लिखा होगा आपने, आप लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो. यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रॉम फियर सेट फ्री 1963, दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग 1965, इंदिरा गांधी हर रोड टू पावर 1982. और एक बात मैं बताऊं कि जैसे विजय लक्ष्मी पंडित और नयनतारा सहगल का रिलेशन इंदिरा गांधी से उतना अच्छा नहीं था 1960-1970 के बीच में, फैमिली फ्रिक्शन है उनके फैमिली के अंदर. सो सहगल का इटली जाने का जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर दिया जाता है. इंडियन एम्बेसडर के हिसाब से जाना पड़ता था उनको, मगर इंदिरा गांधी के पीरियड था वो 1960-1970 के बीच में. उनका इटालियन एम्बेसडर के जैसा, इंडियन एम्बेसडर के जैसा इटली को जाने का वो शेड्यूल अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द फैमिली. सो मिस्टेकन आइडेंटिटी भी है इनका. ए सिचुएशन इन न्यू दिल्ली ये भी है. रिच लाइक हस 1985 में लिखा है इन्होंने, रिच लाइक है लाइक हस. और भी है इनका ए वॉइस फॉर फ्रीडम, द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इंदिरा गांधी एमरजेंसी एंड स्टाइल, प्रिजन एंड चॉकलेट केक, ये सारे इनके अदर वर्क्स है.
और इनके जो विजयलक्ष्मी पंडित जी के और नयनतारा सहगल के एक बुलंद आवाज थी, वो लोग किसी से डरते नहीं थे, वो लोग डायरेक्ट क्रिटिसाइज करते थे जो भी सिस्टम है, जो एक नावलिस्ट को, ये राइटर को बहुत ज़रूरी है। और इनके पिताजी भी फेमस राइटर हैं, उनके पिताजी के बारे में, सक्सेसफुल बैरिस्टर हैं उनके पिताजी, क्लासिकल स्कॉलर थे वो, और कश्मीरी एपिक हिस्ट्री राजतरंगिनी जो कश्मीर के बारे में बताता है उसको उन्होंने, उनके पिताजी ने इंग्लिश में संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। मतलब पूरा फैमिली के अंदर ही राइटिंग स्किल्स हम देख देख सकते हैं।